जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। आज हम चर्चा के पहले मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय अनुसार नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जॉर्ज सोरोस फंडेड की। ये जो अभी कल से राहुल गांधी ने हमारे देश में एक गंध फैलाई है अडानी को लेकर, उसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और ये गंध कब फैलाई है, क्योंकि अगले वीक से पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, उसके ठीक पहले ये काम राहुल गांधी ने किया है। और क्यों किया है इसके भी मैं बताऊंगा। सबसे पहला कारण तो ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव आगामी कल यानी 23 नवंबर को निकलने वाले हैं, और उसमें निश्चित हार है राहुल गांधी की, इंडी गैंग की, कांग्रेस की। उस हार के बदनामी के डर से अपना काला चेहरा छिपाने के लिए, लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बंटाने के लिए राहुल गांधी का ये प्रयास है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी को लॉन्च रीलॉन्च कितनी कितनी बार, असंख्य बार, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार लोग कोई बोलते 80 बार सोनिया गांधी ने अपने बेटे राहुल गांधी को लॉन्च रीलॉन्च कर दिया, कोई बोलता 90 बार, कोई बोलता 100 बार, कोई बोलता 125 बार। भारत में पिछले 10-12-15 साल से जितने भी विधानसभा चुनाव और पार्लियामेंट चुनाव हुए हैं, सब में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ी है कांग्रेस, और सब में 90% में फेल हुई है। तब भी मां की ममता को धन्य है सोनिया गांधी की कि अपने बेटे को वो अपन प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, इसलिए बारंबार 125 बार लॉन्च रीलॉन्च हो चुके हैं राहुल गांधी, और बारंबार फेल होते भी जा रहे हैं। अब क्या है कि अगले सप्ताह से संसद का शीतकालीन अधिवेशन होने जा रहा है, और जब जब ये शीतकालीन अधिवेशन माने जब जब ये संसद का अधिवेशन आता है, तब तब ये राहुल गांधी कोई ना कोई नॉन इश्यू, बिना मुद्दा के, ये लोग एक्चुअली कांग्रेस में लड़ाई, पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़ा करते हैं और सरकार के कामकाज में बाधा उपजाते हैं। वो दिन और थे, मैं तो एक्चुअली पिछले 50-55 साल से न्यूज पेपर को ट्रैकिंग करता हूँ, हर दिन पढ़ता था, हर दिन आज भी पढ़ता हूँ और मीडिया पे से कनेक्ट रहता हूं। जो ज्योतिर्मय बसु और आपके सोमनाथ चटर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमय, मधु दंडवते और उड़ीसा के रवि राय, ये सब जो बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियन हुए हैं, उनके मुकाबले आज ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ है राहुल गांधी, उनके पांव की भी धूल नहीं है। और जॉर्ज फर्नांडिस का नाम, यस मैं भूल गया था, ये जिन जिन लोगों के मैंने, सुरेंद्र नाथ द्विवेदी वो भी उड़ीसा के रहे, ये जो 8-10 नाम मैंने आपके सामने आज बोले अभी, उनके किसी के भी पांव की धूल बराबर राहुल गांधी नहीं है एज अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज अपोजिशन लीडर इन लोकसभा, पांव की धूल बराबर भी नहीं है। और ये अपने को 30 बार का समझ रखे हैं, तो इनके क्या है कि इनको मालूम है कि हम तो गवर्नमेंट का सारा जो काम होता है लोकसभा में, सारा काम एकदम सुचारू रूप से ट्रांसपेरेंसी के रूप में होता है, हम तो उनका मुकाबला कर नहीं सकते, संख्या भी हमारी नहीं है और उनके ट्रांसपेरेंसी भी हमारे विरुद्ध में है, तो ये क्या करते हैं, कोई ना कोई एक नॉन इश्यू, बिना मुद्दे के, बिना कोई बात के, जबरदस्ती किसी न किसी कारण से ये हमेशा पिछले चार पांच साल से जितने भी संसद सत्र हुए हैं, सब में किसी न किसी रूप में बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है ये राहुल गांधी। और देखिए, मैं अभी आपको याद कराऊं, एक या डेढ़ साल पहले की बात है, मणिपुर को देखे, इसने यही गंध फैलाई थी और पूरा पार्लियामेंट सेशन इसने बर्बाद करा दिया था। एक दिन का पार्लियामेंट सेशन जब बैठता है, करीब 800 हमारे सांसद हैं लोकसभा के और राज्यसभा के मिलाकर, करोड़ों रुपया खर्चा होता है एक दिन में। अब एक महीना अगर इस बंदे ने संसद की कार्यवाही को अगर ठप करा दिया, आप सोचिए अरबों का हमारा देश का नुकसान होता है, इसका या इसकी माँ का या इसके बाप का तो कोई जाता नहीं, लेकिन भारत सरकार का, भारत की जनता का नुकसान अवश्य ये करा देता है।
और ध्यान भटकाने के लिए। अब क्या है, अब संसद सत्र आ रहा है, हार निश्चित है झारखंड का और महाराष्ट्र का, जो चुनाव होगा कल रिजल्ट आएगा निश्चित हार है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, उससे मुंह काला होने वाला है। तो उससे ध्यान भटकाने के लिए इसने ये एक नया राग छेड़ा है, नंबर वन। नंबर टू, और एक बात बड़ी बात है, वो है वाकफ बिल। वाकफ बिल, ये जो वाकफ शब्द जो है, हमारे देश में 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने डाला है वाकफ शब्द। 1954 के पहले वाकफ शब्द ही हमारे देश में नहीं था। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने साजिश के तहत, मतलब डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स के तहत, मुसलमान और हिंदुओं में झगड़ा हो, भविष्य में हर दिन के लिए एक वाकफ शब्द डाल दिया। अरे भाई, जो लोग यहां से जब पार्टीशन के समय पाकिस्तान चले गए थे, उनकी प्रॉपर्टी पर भारत सरकार का हक है, और जो लोग हिंदू वहां से पाकिस्तान से भाग के आए, उसकी प्रॉपर्टी पर पाकिस्तान सरकार का हक है। तो भारत सरकार अपने हिसाब से लोगों को बसाएगा या कुछ भी करेगा, पाकिस्तान सरकार उसने अपने हिसाब से किया है। तो उसी में वाकफ शब्द कहा गया, माने जो लोग गए थे यहां से पाकिस्तान बनवाने के लिए, बनाए हैं उनकी प्रॉपर्टी पर वाकफ, तो मतलब घोषणा करता है कि ये हमारी है, तो हम लोगों की है। बाकी भी सब बड़े अजब अजब मामला है। वाकफ तो बोल रहा है कि पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सारी जिस बिल्डिंग पर पार्लियामेंट बैठे, मतलब जिस स्थान पर पार्लियामेंट भवन है, जिस स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है, और भी मुंबई में पिछले 3-4 दिन के पहले ही उसने तो मुंबई में सिद्धिविनायक टेम्पल के जमीन को भी अपना बता दिया वाकफ ने। इस तरह उसकी जो प्लानिंग है, पूरा हिंदुस्तान लेने की प्लानिंग है, अगले 4-5 साल में जैसा पूरा हिंदुस्तान को दिखा देगा कि ये वाकफ की प्रॉपर्टी है, अपने मनमानी। ये सारे के सारे, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, तत्पश्चात राजीव गांधी, नरसिम्ह राव ने इस वाकफ को बढ़ाया, फैलाया, उत्साह वर्धन किया है। अब जब वाकफ की सारी पोलपट्टी खुल रही है, सारे हिंदुस्तान में ये जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी घूम घूम के सब लोगों का सर्वे कर रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, पूरे गांव के गांव को वाकफ बोला कि ये हमारा, चाहे बिहार हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, किसी भी राज्य में जाए, पूरा का पूरा गांव वाकफ वाले बोल रहे हैं कि ये गांव हमारा है। बड़े मैंने क्या क्या बताएं। अब उस वाकफ बिल में संशोधन लाने के लिए भारत सरकार ने मोदी के नेतृत्व में जब ये फैसला किया है कि अब इसका संशोधन करेंगे, भारत के लोगों को न्याय देंगे, और निर्णय करेंगे, भारत के लोग जैसे खुशहाल रहे, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए वाकफ बिल जैसा पार्लियामेंट में नहीं पेश हो सके। इसके लिए इसने स्टार्टिंग से ही, पार्लियामेंट के प्रथम दिन से ही, उसको पार्लियामेंट की कार्यवाही को बाधित करने के लिए ये काम, ये व्यूह रचना की है, षड्यंत्र रचना की है। कौन कौन इसमें शामिल है? ये अमेरिका का बूढ़ा जो 96 साल का है, जॉर्ज सोरोस, उसके पांव तो कब्र में लटक रहे हैं कब से, 96 ईयर्स ओल्ड जॉर्ज सोरोस, उसने एक ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की है, उसमें पैसा किसका लगा है? CIA का, जो सारे विश्व में सबसे बदनाम जासूसी संस्था है, उसका पैसा उसमें लगा है, CIA फंडेड है वो। और ये जो जॉर्ज, ये जो है ना अभी बाइडेन बूढ़ा, जो बाइडेन, ये बूढ़ा तो जाने के पहले पूरे अमेरिका नहीं, पूरे संसार को युद्ध के आग में झकझोर करना चाहता है। अभी उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को दे दिया, और यूक्रेन ने भी मिसाइल रशिया के ऊपर दाग दिया, और रशिया भी तुरंत पलटवार किया है। अभी पूरे विश्व में, मतलब ऐसी एक लोग भय के वातावरण में है, किसी भी समय वर्ल्ड वार 3 हो सकती है। ये सारी की सारी 100% देन है जो बाइडेन की, जिसने लॉन्ग रेंज मिसाइल दी है इसको, यूक्रेन को, और उसका पलटवार तो करना ही है, रशिया तो पलटवार करेगा ही। अब देखिए, रशिया ने यह भी धमकी दी है कि अब अगर तुम जरा सा भी आगे बढ़े तो मैं पोलैंड पर, इंग्लैंड पर और अमेरिका पर एटम बम भी गिर सकता हूं। अब देखिए, ये जो बाइडेन बूढ़ा, ये पूरी दुनिया को बर्बाद करके मानेगा। जो मतलब क्या क्या बताऊं, अगर बताऊं और ज्यादा बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए, ये एक अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, भारत में भी डेमोक्रेसी है। भारत की डेमोक्रेसी में मेरे हिसाब से कहीं कोई त्रुटि नहीं है, कोई होगी भी तो कोई छोटी मोटी, अमेरिका की भी बहुत सारी त्रुटि, मैं केवल एक त्रुटि बता रहा हूं। इसी महीने नवंबर को, 4-5 तारीख को वहां पर चुनाव था, 5 तारीख को, और आज हो गया 22 तारीख, 17 दिन बीत गए हैं,
और ये जो नए प्रेसिडेंट आएंगे जो डोनाल्ड ट्रंप, वो शपथ विधि कब उनका 20 जनवरी 2025 में, मतलब ढाई महीने से भी ऊपर, 2 महीना 20 दिन, सॉरी 2.5 महीना के बाद वो शपथ लेंगे। ये जो 2.5 महीना के जो गैप है, ये जो इंटरिम पीरियड है, ये अमेरिका के गणतंत्र में सबसे बड़ा डिफेक्ट है। हमारे भारतवर्ष में तो पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, रिजल्ट 2 दिन 3 दिन में आ जाता है, उसके 2 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन के पश्चात ही मतलब नई सरकार आ जाती है, केंद्र में भी आ जाती है, राज्यों में भी आ जाती है। वहां जो 2.5 महीने का जो गैप है, वो 2.5 महीने का गैप मैनिपुलेशन करने के लिए है, धांधलीबाजी करने के लिए है, भ्रष्टाचार करने के लिए है, गड़बड़ियां पैदा करने के लिए। और उसी 2.5 महीने के पीरियड में जो बाइडेन तो अभी जा रहा है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट है, उसने जाने के पहले यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी है, और उसने जाने के पहले ये जॉर्ज सोरोस के माध्यम से भारत में वातावरण खराब करने के लिए, गड़बड़ी पैदा करने के लिए, भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए, यहां पर ये जॉर्ज सोरोस के माध्यम से फंडिंग करके राहुल गांधी के मुंह से निकलवाया है कि राहुल गांधी जैसा वहां पर, यहां पर कल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला राहुल गांधी कि ऐसा ऐसा है कि अदानी ने भारत में और वहां पर मतलब अमेरिका में लोगों को पैसा देके, घूस देके सारे सरकारी ठेके हासिल किए, और ये सब अच्छा। और एक अमेरिका को क्या चिढ़ है अदानी से, खासतौर पर मैं ये भी बात बता दूं, क्योंकि अमेरिका की CIA के द्वारा ही वहां एक कठपुतला, हिंदी में कठपुतली शब्द है, मैं आज नया शब्द बोल रहा हूं आपको, कठपुतला, कठपुतला बैठाया है मोहम्मद यूनिस के नाम में अमेरिका ने, CIA ने, वहां बांग्लादेश में, जो वहां पर खुद को वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर समझ के रखा है, वो बूढ़ा 3 सवा 3 महीना हो गया वहां पर बैठा है, 3 साढ़े 3 महीना हो गया उसको। तो वो जो उसको अदानी जो ग्रुप है, अदानी ने वहां पर झारखंड से बांग्लादेश को पावर सप्लाई करता है, और ये 3 साढ़े 3 महीना हो गया और 1 रुपया भी अदानी को बांग्लादेश सरकार दी नहीं है पावर एनर्जी सप्लाई के बाबत। जब नहीं दी है तो अडानी ने 15 दिन पहले एक नोटिस दे दिया था कि आप हमको पैसा दीजिए, 15-20 दिन पहले, तो भी उसने कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो फिर अदानी ने दूसरे नोटिस दिया कि अब अगर आप समय के अनुसार पैसा नहीं देंगे तो मैं 50% बिजली काट रहा हूं आज से, 50% बिजली काट दी है अदानी ने। अब देखिए, अपने गुर्गे को, अपने चमचे को बचाने के लिए, जैसा उसके खिलाफ बांग्लादेश में कोई विद्रोह ना हो, असंतोष ना हो, लोग सड़कों पर ना उतरे, इसके लिए अदानी से बदला देने के लिए, अदानी को झुकाने के लिए, उसने राहुल गांधी के, अमेरिका राहुल गांधी के जरिए से उसके ऊपर अनाप शनाप एलिगेशन वगैरह लगा रहा है। इसमें संपूर्ण रूप से जो बाइडन, जो सोरोस, इन लोगों का हाथ है, और उसके उसका चमचा उनका पिट्ठू है ये राहुल गांधी। ये राहुल गांधी हमेशा यही सब बातें बोलता रहता है, अनाप शनाप अंट बंट संग, उसके उसके साथ साथ में उसके सबसे बड़ा हथियार है कि भाई पार्लियामेंट सेशन अगले वीक आरंभ होने जाएगी, पार्लियामेंट सेशन के पहले ये सब अड़ंगा बोल देने से पार्लियामेंट के मैं रोज जाम कर दूंगा, रोज कुछ ना कुछ हल्ला गुल्ला करूंगा, रोज लास्ट में स्पीकर और राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन, वो लोग रोज पार्लियामेंट को स्थगित करते रहेंगे, तो वाकब बिल नहीं आ सकता। माने एक तीर से कितने निशान मारे, इधर मोहम्मद यूनुस को बचाने के लिए बांग्लादेश में पावर सप्लाई बराबर होती रहे, इधर वाकब बिल के माध्यम से यहाँ छोटे पजामा गैंग को कोई तकलीफ ना हो, ये सारे सारे माने एक तीर से कई निशान राहुल गांधी खेल रहा है। इधर महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में अपना मुंह काला होने जा रहा है, उससे लोगों को ध्यान हटाने के लिए ये सारी सोची समझी राहुल गांधी की व्यूह रचना है अमेरिका के इशारे पर। ये सब आदमी इतने बेवकूफ नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, जो करीब 1 साल पहले इसी राहुल गांधी ने इसी अडानी को, गौतम अडानी को, अडानी ग्रुप को टारगेट करके, ये जो शॉर्ट सेलिंग का जो धंधा ना, जॉर्ज सोरोस की कमाई कहां से होती है, क्या तो CIA फंडिंग करता है, या वो शॉर्ट सेलिंग क्या है, शेयर मार्केट में किसी भी बड़ी कंपनी को अगर उसको टारगेट करके उसके विरुद्ध में मीडिया में अगर अंट बंट संट इधर उधर की बातें अगर छाप दी जाए, बोली जाए, तो उस कंपनी का शेयर धड़ाम हो जाता है, शिखर से सीधा स्पर्श में आ जाता है, जिसको बोलते हैं ना अर्श से फर्श पर आ जाता है। ये एक शेयर मार्केट का धंधा, शेयर मार्केट एक ऐसा है
किसी बड़े नेता को या बड़े किसी उद्योगपति को अगर जरा से बुखार हो गई या छींक भी आ गई तो वो कंपनी का शेयर गया पीछे। ये बहुत बड़ा सेंसिटिव है शेयर मार्केट, तो इसी सेंसिटिवनेस का फायदा उठाता है राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस। देखिए जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर, उसके कारनामों पर, उसके जो लीकेज, वो जो शेयर मार्केट संबंधी जितनी भी लीकेज करता है उस पर सारे पर बैन है अमेरिका में। अमेरिकन किसी कंपनी के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता है शॉर्ट सेलिंग के चक्कर, लेकिन दूसरे सारे विश्व में जो दूसरी कंपनियां है उनको कैसे नीचे लाया जाए शॉर्ट सेलिंग करके, फिर शेयर उठाया जाए, फिर थोड़ा 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 करके फिर बेचा जाए, इस माध्यम से चंद दिनों में करोड़ों अरबों कमाया जाए, ये एक फंडा है जॉर्ज सोरोस का, वहां के अमेरिका के जो वामपंथी हैं उनका और उनके एजेंट यहां पर राहुल गांधी बैठे हैं, इन सब का है। अब मैं बता रहा हूं पिछले साल अडानी ग्रुप को टारगेट करके राहुल गांधी ने जो गंध फैलाई थी पूरे अडानी ग्रुप के सारे शेयर धड़ाम हो गए थे, लेकिन आज और उसमें राहुल गांधी ने और दो टारगेट किया था, LIC और SBI, ये दोनों सरकारी प्रतिष्ठान है भारत सरकार के, LIC और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और दोनों के दोनों शेयर धड़ाम हो गए थे, ये दोनों आज आसमान छू रहे। फिर अभी मैं अभी दो तीन तीन दिन के पहले की बात बता रहा हूं, अच्छा अडानी के शेयर भी वैसे धड़ाम हो गए थे, जमीन पर आ गए थे, फिर अडानी के शेयर एक साल पहले जो थे माने राहुल गांधी के गंध फैलाने की पहले की जो स्थिति थी आज उससे मजबूत स्थिति में है, मतलब अडानी ग्रुप के शेयर भी मजबूत स्थिति में है और SBI भी मजबूत स्थिति में है और LIC भी। अब क्या मैं आपकी ये जो एक साल की बात अब मैं बता रहा हूं, कल सारे अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम हो गए थे, मिट्टी चाट ली थी, और आज सुबह से फिर से सारे के सारे शेयर चमक रहे, फिर से उठ रहे सारे के शेयर अडानी ग्रुप के शेयर। अडानी ग्रुप के 8-10 शेयर कंपनियों, अडानी ग्रुप के 8-10 कंपनियों के शेयर शेयर मार्केट में लिस्टिंग है भारत में, उसमें केवल एक है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। मैं चंद अभी आधा घंटा के पहले तक की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशन वो एक कंपनी है अडानी ग्रुप की जो अभी तक मतलब कल से वो लॉस में चल माने डाउनवर्ड चल रही है, बाकी जितनी भी अडानी ग्रुप की कंपनियां है जैसे अडानी पोर्ट्स और आपका जो अडानी एंटरप्राइज अडानी ग्रीन एनर्जी वो सारे के सारे शेयर सारे के सारे कल से जो धड़ाम हो गए थे सारे के सारे कल के सारे लॉस मेकअप होकर अब उठ रहे हैं ऊपर 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 जा रहे हैं। इससे भी साफ साफ झलकता है कि भारत के जो शेयर होल्डर्स हैं, भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो बड़े इन्वेस्टर्स हो, वो सारे के सारे समझदार हैं और राहुल गांधी उनको ज्यादा दिन बेवकूफ बना नहीं सकता, इसी से साफ साफ मालूम होता है। जो अदानी ग्रुप पिछले साल एक महीना लग गया था रिकवरी करने को, इस बार एक दिन में वो सारे के सारे शेयर वापस उठ रहे। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी का जो बोलना है कि राहुल यहाँ पर चार जो स्टेट गवर्नमेंट है भारत में उसमें उड़ीसा आंध्रा तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ का राहुल गांधी ने उल्लेख किया है कि यहाँ पर इन बंदों को यहाँ ऑफिसर लोगों को सरकारी ऑफिसर लोगों को घूस दे के अदानी ग्रुप ने ठेका पाया है ग्रीन एनर्जी का। ठीक है अगर पाया है तो इन चार स्टेट में कौन सरकार में थे और कब पाया है 2021-22 में, उस समय कौन सरकार में थे, यहाँ उड़ीसा में नवीन पटनायक की BJD की सरकार थी, आंध्रा में जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी YSR कांग्रेस की, तमिलनाडु में DMK की सरकार थी और आज भी है, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार थी जो अभी नहीं है वहां पर अभी BJP सरकार है। तो ये चार सरकारों के ऊपर जिस पर ये नाम मतलब उछाला है राहुल गांधी उसमें तो चारों तो इंडी गैंग के है, मतलब तीन तो पूरे पूरे डायरेक्ट है। उड़ीसा में अवश्य नवीन पटनायक ना तो उस ग्रुप में थे ना इस ग्रुप में उड़ीसा में, ये बाकी आंध्रा तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ये तो सारे के सारे इंडी गैंग के मेंबर है। अब तो अरेस्ट करो ना, इंक्वायरी कराओ अपने ही लोगों पर इंक्वायरी कराओ। तमिलनाडु में जो एम के स्टालिन है उस पर इंक्वायरी बिठाओ, YSR कांग्रेस का जो जगनमोहन रेड्डी उस पर इंक्वायरी बिठाओ, और इस पर जो आपका छत्तीसगढ़ का जो भूपेश बघेल इंक्वायरी बिठाओ, उड़ीसा में भी कौन कौन सरकारी अधिकारी इसमें पैसा खाया क्या किए उस पर भी इंक्वायरी बिठाओ CBI की ED के सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसके लिए मोदी कैसे जिम्मेदार हुआ समझ में नहीं आ रहा, जो बात बार बार बोला मोदी को गिरफ्तार करो, अडानी को गिरफ्तार करो, खाली एलिगेशन लगाने से गिरफ्तार करो तो आपके ऊपर तो पूरे परिवार के ऊपर है। सोनिया गांधी राहुल गांधी तो मतलब बेल के ऊपर चल रहे हैं नेशनल हेराल्ड केस में पिछले 5-6 साल से,
और अभी तो सारे मोदी चोर हैं, इस पर तो सजा याफ्ता है या राहुल गांधी, उसके सजा पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी है, नहीं तो लोअर कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट सब ने तो इसके ऊपर सजा लगाई है। और सुनिए, वीर सावरकर को गद्दार बता रहे थे, वीर सावरकर के पोते ने भी इसके ऊपर केस कर दिया राहुल गांधी के ऊपर, वो केस भी वहां महाराष्ट्र में लोअर कोर्ट में चल रहे हैं। सारे के सारे केस में राहुल गांधी को सजा होना तय है, केवल ही बाइंग टाइम, वो समय को केवल बचा रहे हैं, समझिए भाग रहे हैं, समय से पहले ही भाग रहे हैं कि जैसा मेरा पिंड छूटे छुटकारा मिले। अब क्या है, उस दिन में मेरा तो ये आकलन है, इनकी उम्र तो 56 साल हो गई है और अगले साल 4 साल 4.5 साल के बाद 60-61 के हो जाएंगे, तो अगला जब चुनाव होगा भारत में पार्लियामेंट का जो 2029 में होगा, उस समय इनकी नेतागिरी रहेगी या नहीं रहेगी, या ये बाबू स्वदेश में रहेंगे या विदेश भाग जाएंगे, भगवान ही मालिक है। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि इस बंदे को अच्छे से पहचानिए, इसकी सारी नेस्टी डर्टी पॉलिटिक्स को पहचानिए और गुमराह मत होइए इसके राहुल गांधी की बातों पर। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, जय हिंद।